हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर इज मॉम। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक अभी जो रिसेंटली हुआ। मैं देखा शॉप पे, तो वहाँ पे एक बच्चा था जो कुछ सामान लेने आया था, तो दुकान वाले भैया ने बोला कि 48 रुपये हो गए। तो 12-13 साल का बच्चा था, बट उसको ये नहीं पता था कि 48 रुपये कितने होते हैं। तो मेरे से पूछ रहा, आंटी 48 रुपये कितने होते हैं? तो भाई, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाइए। इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है, बट हिंदी तो आना ही चाहिए, क्योंकि एक मातृभाषा हिंदी है और हम जहाँ रह रहे हैं हिंदी ज़्यादा चलता है यहाँ पे। हिंदी आना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा भतीजा है, इसको 30 तक बोले, हिंदी में बोले तो 30 तक, इंग्लिश में 30 तक इसको हिंदी की गिनती काउंटिंग आती है, जो अभी लिख के दिखाएगा। वो लिख के दिखाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तुम्हें जहां तक आता है लिख के दिखाओ, यहाँ पे यहाँ शुरू करेगा। तो ये क्लास 1 में है, तो हिंदी आना भी बहुत जरूरी है। बताइए उस बच्चे को, मेरे ख्याल से 13 साल का था वो, 12-13 साल का था, उसको ये नहीं पता कि 48 रुपये कितने होते हैं। तो ये जरूरी है। अभी आपको 30 तक लिख के दिखाएगा। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि अगर बच्चा कोई बड़ा बच्चा पढ़ रहा है तो छोटा बच्चा देख देख के सीखने लगता है। अगर आपकी, ये तो मेरा भतीजा है, और आपके घर में कोई छोटा बच्चे के साथ कोई बड़ा बच्चा नहीं है, तो आप अपने पड़ोसी के बच्चों को ले आइए, उनको साथ में बैठाइए बच्चों को, ताकि बच्चा देख देख के सीख जाए। बिकॉज ऐसे इनको पढ़ाना बहुत ही कहते हैं बीरबल की खिचड़ी पकाने की जैसा है। तो ये सबसे बेस्ट उपाय है। 30 तक तो लिख दिया है, ये लिखा है इंग्लिश वाले में ही, बट समझता है कि मतलब ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आगे हम इसको ये भी सिखा देंगे कि हिंदी में कैसे लिखा जाता है, बट क्लास 1 में है, बस इतना इसको समझ में आ गया है कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अब मैं इसको कुछ ऐसे ऐसे इसमें से कोई भी जैसे कि नंबर बोलूँगी और ये मुझे लिख के दिखाएगा, बट यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि आपको कहीं लगेगा इसमें से देख के लिख रहा होगा। तो मैं यहाँ बोलूँगी, अब लिखो 15, अब लिखो 20, अब लिखो 6, अब लिखो 9, अब लिखो 8, अब लिखो 21, 17। अच्छा चलो बताओ, तुम कहीं कुछ सामान खरीदने जा रहे हो, अगर दुकान वाले भैया आप तुमसे बोलेंगे कि तुम्हारे 10 रुपये होंगे, तो तुम क्या दोगे उसको, लिख के दिखाओ उसको। अगर सामान कुछ लिए हो ना, उसके 10 रुपये हो गए, तो 10 कितने होंगे, लिख के दिखाओ। वेरी गुड, 17 रुपये हो गए। दुकान वाले भैया ने बोला तुमने ये चॉकलेट लिया है ना, वो 17 रुपये के हैं, तो 17 रुपये क्या लिखोगे। वेरी गुड। अच्छा तुम अभी गए ग्रेप्स लेकर आ गए, ठीक है, तो ग्रेप्स लेने गए, तो दुकान वाले भैया ने बोला तुम्हारा कि ये 15 रुपये का हो गया, तो तुम उसको क्या दोगे, लिख के दिखाओ। वेरी गुड। तो देखा आपने, बच्चों को इंग्लिश हिंदी सब कुछ आना चाहिए, और इनको सब जिससे अभी देखिए मैं रैंडम में कुछ कुछ नंबर इसको बता रही थी, ये सारा सही सही लिखते गया है। और इसे मैं बोल रही थी कि कुछ दुकान पे जाओगे कुछ शॉपिंग करने कुछ, तो वो दुकान वाले भैया तुम्हें क्या पैसे बोलेंगे, 10 रुपये 15 रुपये, तो तुम क्या दोगे। तो ये मुझे लिख लिख के दिखा रहा है कि अगर 10 बोलेंगे तो मैं ऐसे ये दूंगा, ऐसे 20 रुपये दूंगा। तो ऐसे ही जरूरी होता है बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ आने के लिए। ऐसा नहीं कि बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे नहीं हो रहा है, हिंदी वहाँ पर नहीं सिखाया जा रहा है, तो आप नहीं सिखा सकते। आपका बच्चा है, आपको ज़्यादा फोकस करना है, ना कि स्कूल पे हर चीज़ के लिए डिपेंड होना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। वेरी गुड। हाँ, चल। हाँ वो सही पकड़ रहा है। One, two, three, four, five, six, seven,
एट वेरी गुड वेरी गुड क्लैपिंग 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 गुड जॉब चलो नीचे आ जाओ कम डाउन हाँ एक दो तीन चार पांच आर्यन कम डाउन नीचे आओ आर्यन ये देखिए इनकी काउंटिंग तो कुछ ज्यादा